to all, you are watching session of conditional statements in python. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं. आज हम पूरा पूरा ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में है. तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, जो कंडीशंस हम देते हैं लेकिन हमें उसका आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग मिलता है. लाइक मैं चाहती हूँ कि दो नंबर्स में मैं कंपैरिजन करूँ, ग्रेटर देन और लेस देन है. तो ये ज़रूरी जानना उससे पहले कि कंपैरिजन कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट किस तरह का चाहिए. अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ए और बी में, मींस अगर ए हमारा बड़ा है तो मुझे क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, बी बड़ा है तो क्या प्रिंट होकर आना चाहिए. तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. आई मीन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो आज का हमारा लेक्चर ये है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्टेटमेंट्स वी विल लर्न टुडे. इफ एल्स शॉर्ट हैंड इफ, शॉर्ट हैंड इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ. सो दीज आर द कीवर्ड स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो आज हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू रिवाइज इट इन अ डेमो क्लास जहाँ पर मैं आपको सिर्फ इन सब का एक रनिंग व्यू डेमो को दिखाऊंगी ताकि आपको एक प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ें क्लियर हो जाए. हाउ डज इट ऑल दिस वर्क्स. सो स्टार्ट विद द इफ. तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है? इफ या कोई भी स्टेटमेंट तो काम उसका ये होता है कि पर्टिकुलर हमारे पास कोई कंडीशन है, हमें उसको सेटिस्फाई करना है. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी कि ए इक्वल्स टू सिक्स लिखा है. आई हैव रिटन ए इक्वल्स टू सिक्स, मतलब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 6 डिक्लेयर की है, बी की वैल्यू 10 ली है और यहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ इफ बी एंड ए. कंपैरिजन हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ए एंड बी में. इफ आई एम राइटिंग इफ बी लेस देन ए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इफ बी लेस देन ए, मतलब ये कि अगर बी की वैल्यू ए से छोटी है तो हम प्रिंट कराएंगे बी इज ग्रेटर देन ए. बी की वैल्यू ए से बड़ी है, छोटी तो है नहीं, तो मतलब ये जो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं ये हमारा आउट ऑफ द वे है. ठीक है, हम अगर लॉजिकली देखें तो हमें ए इक्वल्स टू 6 एंड बी इक्वल्स टू 10, हमें बी बड़ा मिल रहा है ना. अगर हम लॉजिकली एक चीज़ देखें तो हमारे पास यहाँ जो बी की वैल्यू है, ये जो 10 है, दिस 10 इज बिगर दैन दिस 6. ओके, ये 6 से बड़ा है 10, लेकिन हम यहाँ क्या प्रिंट करा रहे हैं इफ़ बी इज लेस देन ए. अगर b की वैल्यू छोटी है a से तो b ग्रेटर देन a प्रिंट हो जाए. तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई एज पर द रिटर्न कंडीशन. रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही. एक बात याद रखना हमेशा कि जो इफ़ हमने यूज़ किया है यहाँ पे ये कीवर्ड है. ठीक है, अगर इस इफ को हम अकेले यूज़ करते देन इट इज़ अ कीवर्ड, बट हमने इसे इस एक्सप्रेशन के साथ लिखा है तो इट इज़ नॉट एन कीवर्ड, इट इज़ एन स्टेटमेंट. ओके, रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हमने जब इफ के साथ कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं तो हमारा स्टेटमेंट बन जाता है, वो हमारा कीवर्ड नहीं रहता है. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअली इसके बारे में बात करूँ, अगर इफ के बारे में, तो मेरा ये जो है सिर्फ एक कीवर्ड की तरह बात करूँगी मैं. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इफ बी इज लेस देन ए देन इट इज़ एन स्टेटमेंट नॉट एन कीवर्ड, कीप इन माइंड. ओके, तो हमारा बी लेस देन ए इज एन स्टेटमेंट. ठीक है, अभी हमारी ये कंडीशन, जो भी हमारी ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इट मीन्स दैट हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है. ठीक है, सो ये वक्त था हमारे इफ का. देन मूविंग टू द नेक्स्ट एलिफ. अब एलिफ स्टेटमेंट का, एलिफ कीवर्ड का कहना क्या होता है, जस्ट रीड दैट. आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, मैं समझा भी रही हूँ. इफ का, एलिफ का क्या मतलब होता है कि अगर जो हमने, जो हमारी प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो यू शुड ट्राई दिस कंडीशन. इट मीन्स दैट अगर आप मार्केट में जाते हो, कुछ आप कुछ परचेज करना चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू गो इन द मार्केट एंड यू वॉन्टेड टू परचेज अ क्लॉथ्स. ओके, अगर आप कुछ कपड़े खरीदना चाहते हो, आपको वो टॉप एक अच्छा लग गया या यू लाइक दैट फोन. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हियर, फोन, आपको कोई फ़ोन पसंद आ गया है. ठीक है, लेकिन आपको वो फ़ोन, वो फ़ोन आपको लुक वाइज पसंद आ गया है बट द रैम एंड अदर स्पेसिफिकेशन आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको
शॉपकीपर ने एक ऑप्शन दिया कि आपको ये नहीं ये वाला ट्राई करना चाहिए, दैन इन दिस केस व्हाट यू विल डू। ये वही वाला केस हो गया यहाँ पे कि आपको प्रीवियस कुछ दिखाया गया, आपको वो पसंद नहीं आया, ठीक है, आपको प्रीवियसली कुछ दिखाया गया, आपको वो पसंद नहीं आया, तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ये नहीं ये ट्राई कर सकते हो। सेम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इज दिस हियर, कि आपने कोई एक पर्टिकुलर पेन परचेज करने की कोशिश की, यू हैव गॉन टू परचेज अ पेन, ओके, यू हैव गॉन टू परचेज टू पेन, आपने एक पेन खरीदने की कोशिश की, आपको एक पेन पसंद आ गया, बट उस पेन में प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ओके, इसकी इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आपको शॉपकीपर ने एक ऑप्शन दिया कि आप वो ट्राई करने की बजाय ये ट्राई करो। उन दोनों में कुछ कुछ चीज़ें सेम है, बॉडी में पेन की सेम है, बट बात है इंक की, उसकी इंक कम चलती है, इसकी इंक ज़्यादा चलेगी। सो आप क्या करोगे, आप जो नेक्स्ट वाला शॉपकीपर ने आपको दिखाया है आप उस पर शिफ्ट करोगे। सो सेम थिंग हैपन्स हियर, यहाँ पे एलिफ का मतलब यही है, एलिफ कीवर्ड का, कि अगर आपकी प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं हुई है किसी भी केस में, तो आपको ये वाली कंडीशन एक बार करके चेक देखनी चाहिए कि इज इट बीइंग ट्रू और नॉट, ये ट्रू हो रही है या नहीं। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ए इक्वल्स टू 33 एंड ए बी इक्वल्स टू 33। हम अगर लॉजिकली देखें इन दोनों को तो ये दोनों इक्वल हैं, ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। हमने क्या स्टेटमेंट्स डाली यहाँ पे, इफ़ बी इज़ लेस देन ए, ये स्टेटमेंट हमारी इफ कंडीशन वाली है, पिछली वाली स्लाइड की है, रिमेंबर दिस, ओके। हमने लिखा है यहाँ पे इफ़ बी इज़ लेस देन ए, यानी कि बी की वैल्यू अगर ए से छोटी है, तो बी हमारे पास ए बी बड़ा है और ए छोटा है, ये प्रिंट होके आ जाए, जो कि ये सेटिस्फाई यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर दूसरा लिखा है हमने एलिफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी, इट मीन्स दैट ये दोनों इक्वल्स हैं, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ओके। सो दिस कंडीशन इज बिंग सेटिस्फाई हियर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें ये एग्जाम ये मिला ऑप्शन कि आप ये चेक करो, ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और एक्चुअली में ये सेटिस्फाई हो भी गई। सो दिस इज़ हाउ द एलिफ स्टेटमेंट्स एलिफ कीवर्ड वर्क, तो ये काम था हमारा एलिफ स्टेटमेंट का, ओके। सो इस तरीके से हम एलिफ स्टेटमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रीवियस कंडीशन वर्क नहीं करती है तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। देन आता है हमारा एल्स, ठीक है। तो एल्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पहले एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जो भी हमारे पहले पास सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो ये एल्स स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कराने में आपकी हेल्प करता है, ओके। आपके यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे ए इज 300 एंड बी इज 45 एंड सी इज 800। हम अगर ऐसे देखें सबसे बड़ी वैल्यू सी की है एंड सबसे छोटी वैल्यू बी की है एंड सब मिडिल में है 300, दैट इज ए। बट सेम इफ एंड एलिफ की कंडीशन वही है जो हमने पहले देखी थी, एल्स की कंडीशन में क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, इज इट ट्रू, यस ट्रू। ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रू लगेगा, क्योंकि ए की वैल्यू है बड़ी बी से, ए की वैल्यू है बड़ी बी से। हमने यहाँ पे ए और बी की बात की, हमने सी की बात क्यों नहीं की, बिकॉज हमने कंपैरिजन यहाँ ऊपर में ए बी और ए में किया और ए और बी में किया, ओके। हमने यहाँ कंपैरिजन कहीं पे भी सी का कंपैरिजन किसी चीज से भी नहीं किया, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि सी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी, नहीं लिख सकते, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग हियर ओनली बी एंड ए इन बोथ द कंडीशंस यूजिंग इफ एंड एलिफ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इफ और एलिफ में सिर्फ बी एंड ए को ही कंपेयर किया है, हमने सी को कहीं भी कंपेयर नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि हम सी का रिजल्ट कहीं शो नहीं करेंगे। लेकिन हमने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ लेस देन ए, ठीक है। सो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, बी से छोटा है, बी इज़ लेस देन ए, क्या बी से छोटा है ए, नहीं, बी से बड़ा है ए, यहाँ पे आप देख सकते हो बी से बड़ा है यहाँ पे ए, एंड एलिफ ए इज डबल इक्वल्स टू बी, मीन्स यहाँ पे ए कहीं पे बी से इक्वल नहीं हो रहा, तो ऊपर की जो इफ और एलिफ की कंडीशन है वो फॉल्स हो रही हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम एल्स की तरफ, क्योंकि एल्स का मतलब ये है कि अगर हमारी ऊपर की कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हैं तो हम आते हैं एल्स की तरफ। तो हम एल्स की तरफ आए, तो एल्स में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी हमने प्रिंट करा दिया, और एक्चुअली हमारा ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू 300 एंड बी की वैल्यू 425 है, सो हमारा ए बड़ा है और देन बी छोटा है, तो ये एल्स स्टेटमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज
कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज शॉर्ट हैंड इफ। देखो अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा पूरा एग्जीक्यूशन वन लाइन में कंप्लीट हो जाए, देन ये फिर आपके लिए है। ध्यान से देखना है इसको, ये आपके लिए ही होगा। फिर शॉर्ट हैंड इफ का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी पूरी एग्जीक्यूशन किसी भी लाइन की सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, ओनली वन लाइन, देन यू कैन यूज दिस। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने जो लिखा है अगर ए बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ भी कहीं हमने एल्स एल एफ कुछ नहीं लिखा, और ये पूरा लाइन ऑफ कोड हमारा सिर्फ एक लाइन में है, इसलिए इसे कहा गया है शॉर्ट हैंड इफ। ठीक है, जैसे ये शॉर्ट हैंड इफ है वैसे यहाँ पर शॉर्ट हैंड एल्स भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको ओवरऑल इसका लाइन को रन होने के प्रिंट होने के बाद ये पूरा पूरा आपको एक लाइन में प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट हैंड इफ के बारे में। डोंट वरी, डोंट पैनिक, इन सभी चीज़ों का आपको एक डेमो मिलेगा। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो सेम वर्क हमने पहले किया था वही काम यहाँ पे करेंगे इफ एल्स में। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हमारे इसमें से एक इफ और एक एल्स दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है एक लाइन में। ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 56। यहाँ पे आप देखो तो बी की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है। ओके, हमने क्या लिखा, प्रिंट ए, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट बी। मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे इफ मैंने पहले लिखा है प्रिंट ए, प्रिंट ए किस केस में प्रिंट होगा, अगर ए की वैल्यू बड़ी हो और बी की वैल्यू छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू बड़ी है। देन एल्स प्रिंट बी मीन्स यहाँ पे अगर हमारे ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे बी प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 45 प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ 45 भी आएगा। जस्ट टेक अ लुक अगेन, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी। हमने बोला कि हम ए को प्रिंट करना चाहते हैं अगर ए बड़ा है बी से, ए तो छोटा है बड़ा नहीं है, देन एल्स प्रिंट बी। तो हमारे पास यहाँ पे बी आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 56, तो बी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, कीप इन माइंड कि आपका एक चीज़ और है कि जो आपको मैंने जो पहले की कुछ ये स्लाइड्स दिखाई थी, ये वाली शॉर्ट एंड इफ, दिस वाली, ये वाली एल्स इफ एंड ऑल, इसमें आपको इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो हमारे इंडेंटेशंस हैं, ये जो ये कॉलन लगाने के बाद जो ये आ रहे हैं ये हैं इंडेंटेशंस। इसके बाद आपने कोड अगर यहाँ से स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द सेम लाइन पैरेलल टू इफ, तो आपका वो एरर आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटर करने के बाद आपको जहाँ पे भी हमारा कीवर्ड हमारा कर्सर आता है आपको वहीं पे लिखना है, बिकॉज अदरवाइज इट शोज यू एरर, क्योंकि हमारा कॉलन लग गया मीन्स वो स्टेटमेंट हमारी वहाँ ख़त्म हो गई है। ठीक है, वो स्टेटमेंट वहाँ ख़त्म हो गई है तो आपको उसके आगे लिख नहीं सकते, उसके पहले ही लिख भी नहीं सकते, आपको वहीं से लिखना है जहाँ से एंटर के बाद आपको वो शो कर रहा है लिखने के लिए। ठीक है, सो अब हमारा यूज़ ऑफ एंड कीवर्ड, आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हो गया हो शॉर्ट एंड इफेंस। अगर कहीं पे भी कुछ क्लियर इशू नहीं होती है देन प्लीज़ कमेंट बिलो टू एक्सप्लेन मी व्हाट आर योर डाउट्स, आई विल हियर टू हेल्प यू। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एंड कीवर्ड। अब हम यूज़ देखेंगे यहाँ पे एंड कीवर्ड, कीवर्ड्स के सेशन में मैंने आपको बताया था कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उसमें हमारा एक कीवर्ड एंड कीवर्ड भी होता है, तो आज ये भी डिस्कस हो रहा है। ये होता है कंबाइन करने के लिए लॉजिकल स्टेटमेंट्स को। लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपको बताती हूँ। लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनमें हम कुछ लॉजिक देते हैं, वो हमें लॉजिक सही है वो गलत है वो देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपको विजिबल होगा कि ए इज़ इक्वल टू 230 एंड बी इज़ 100 एंड सी इज़ 800। सो हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से, येस ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए, येस ये कंडीशन में ट्रू है। सी है बड़ा, सी है सी इज़ लेस देन ए, सॉरी सी इज़ लेस देन ए, सी हमारे इससे छोटा है नहीं, सी छोटा नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। एंड का यूज़ किया है यानी कि हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा हमारे पास यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगा प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एग्जैक्टली वो ट्रू हो चाहे ना हो हमारे पास वो प्रिंट होकर आ जाएगा बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स, दीज आर द लॉजिकल स्टेटमेंट्स, कीप इन माइंड। ओके, ए है 230, बी है 100 एंड सी है 800। इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी,
अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए की वैल्यू बड़ी है, नोटिस इट, ए है 230 एंड बी है 100, ए की वैल्यू बड़ी हो रही है बी से एंड सी इज लेस देन ए, सी क्या छोटा है ए से? नहीं, सी बड़ा है ए से, तो हमारा ये वाला एंड के साइड वाला पार्ट हमारा वो ट्रू नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगा कंडीशन आर ट्रू बिकॉज ये एंड ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है जहाँ पे हमारे पास सारी कंडीशंस कंबाइन होकर ट्रू होकर आ जाएंगी। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा भी कीवर्ड है जहाँ पे हमारे पास दोनों में से कुछ एक कंडीशन ट्रू होती है। आते हैं उस कीवर्ड की तरफ, ये होता है हमारा और कीवर्ड। इसमें हमारे पास एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी ही चाहिए, एटलीस्ट एक कंडीशन ऐसी होती है जो ट्रू होनी ही चाहिए और होती ही है ट्रू। ठीक है, तो ये होता है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, वो कंडीशनल स्टेटमेंट जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, यस ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ लेस देन ए, सी लेस देन ए नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू होनी है ना, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारा काम हो गया। सो दिस इज़ हाउ मच ईजी इज़ विथ और एंड एंड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। इतना आसान था समझना हमारे लिए कि एंड में हमारे पास दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक ही आउटपुट आएगा एंड और में हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है, वो होती है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी बट फिर भी हमने प्रिंट कर दिया कि वो दोनों ट्रू हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों कंडीशन में से एक ट्रू है वो हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। सो ये था हमारा और कीवर्ड का यूज़। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नेस्टेड इफ, इट इज़ अ लास्ट फॉर द टुडे सेशन। नेस्टेड इफ होता क्या है बेसिकली, जहाँ पे इफ के अंदर इफ होता है हम उसे यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इफ एक्स इज लेस ग्रेटर देन 10, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 20, यहाँ पे एक ही एल्स है लेकिन दो इफ हैं, एक ही एल्स है लेकिन दो इफ हैं, सो ये हो गया हमारे नेस्टेड इफ। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू, एक्स अगर बड़ा है 10 से तो हमारे पास 10 की प्रिंट होके आ जाएगा, अगर x बड़ा है 20 से 20 प्रिंट होके आ जाएगा एंड else प्रिंट डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं है ऐसे तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट होके आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ वर्क करता है। सो आज के सेशन में हमने क्या किया, ये इफ के बारे में पढ़ा, else if, elif एंड ऑल दीज कीवर्ड्स विल रिवाइज इट अगेन। अगेन हमारा आता है पास स्टेटमेंट, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के डिफरेंट है थोड़ा। इस पास कीवर्ड के बारे में भी मैंने बताया था अपने कीवर्ड सेशन में। सो मैंने उस समय भी कहा था कि पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करता, आई हैव सेड पास डज नथिंग, रिमेंबर दिस। आपको याद नहीं हो तो आप एक बार कीवर्ड वाली वीडियो भी देख लेना, आपको याद आ जाएगा अच्छी तरीके से। मैंने कहा था पास डज नथिंग, पास कुछ नहीं करता है और एग्जैक्टली पास कुछ नहीं करता है। पास का यहाँ पे सिर्फ इतना वर्क है कि अगर हम चाहते हैं, देखो अगर हमने इफ कंडीशन, अगर हमने कहीं पे इफ लगा दिया है, ठीक है, हमने कहीं इफ़ लिख दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ़ के अंदर में आना ही है। हमने लिखा इफ़ दिस देन दिस, हम भी बोलते हैं इफ़ देन, इफ़ देन, इफ़ दिस देन दिस, तो अगर हमने इफ़ लिखा है तो उसके अंदर में कुछ तो आना चाहिए, सम करेंट सिचुएशन, सम कंटेंट टू बी देयर इन प्रिंटिंग ऑफ इफ़ होना चाहिए कुछ। अगर आपके पास कुछ नहीं है प्रिंट करने के लिए हम वहाँ पे पास लगा सकते हैं ताकि हमें एरर ना मिले। अगर हम पास नहीं लगाएंगे तो हमें एरर मिलेंगे, वो कौन से एरर्स होंगे वी विल डिस्कस दैट आल्सो, सो डोंट वरी। यहाँ पे ए 33 है एंड बी 600 है एंड बी इज़ लेस देन ए, बी छोटा है ए से, नहीं छोटा नहीं है, हमारी कंडीशन वैसे भी फॉल्स हो रही है बट हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है तो हमने यहाँ पे पास कर दिया, मीन्स अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द पास स्टेटमेंट। एंड आपको आज की क्लास का डेमो बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं अगर आपको टाइम से, अगर डेमो समझ में आ गया, आपको टाइम से डेमो मिल जाएगा तो अभी आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट फ्रेश है ना, अभी आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बहुत फ्रेश है बिकॉज ये अभी अभी डिस्कस हुआ है। अगर इसका आपको डेमो लेट मिलेगा तो जाहिर सी बात यू विल गेट ऑल फॉरगेट, जो भी अगर भूल जाओगे तो फिर वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, यू विल नॉट बी एक्टिव। रिवाइज नहीं करने से चीज़ें एक्टिव नहीं होती हैं माइंड में, तो फिर मज़ा नहीं आता करने में, राइट। सो ये था आज का सेशन ओवरऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द
दिस कनेक्टेड विद ऑन इंस्टा एंड ऑन द सोशल नेटवर्क, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर अबाउट द पाइथन. एंड इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टिल दिस वीडियो, देन प्लीज़ एक्सप्लेन द कमेंट सेक्शन और इन वेयर एवर वेयर वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी. ऑल द सोशल नेटवर्किंग आईडीज वर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो keep learning python with GoBitTrend, and if any kind of a problem you face while anything, then just comment below. I will be here to help you every time. Thank you and stay safe, stay at home.